इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, ये वैसा ही रहेगा, देखो ये वाला कलर कहां पे आ रहा है, देखो इस वाले में आ रहा है पीएच टू, सब इसको डाला, सो व्हाट हैज द कलर चेंज टू, यू लुक एट द कॉरेस्पॉन्डिंग पीएच, दैट विल बी टू, ठीक है, ओके। सो अगर आप देखो प्योर वाटर है, इसका कलर आपको क्या मिल जाएगा, ऑब्वियसली ग्रीन मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ यू हैपन टू डिप दिस पेपर इनटू प्योर वाटर, व्हाट इज द कलर दैट यू विल बी गेटिंग, ऑब्वियसली ग्रीन, ठीक है। तो आपके सारे कलर इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं, और इस कलर इंडिकेटर में आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रेंथ मिल रहा है, जो भी आपका स्ट्रेंथ होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको कलर मिलेगा। अगर आप भाई साहब ऐसे कोई नॉर्मल लिटमस पेपर मिलते हैं लेते हैं, तो उसमें ब्लू टू रेड होता है या रेड टू ब्लू होता है, लेकिन उसमें आपका स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, यू डोंट गेट द स्ट्रेंथ, बट हियर यू आर गेटिंग द स्ट्रेंथ कि भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या न्यूट्रल है, ठीक है, ओके। अभी समझ लो भाई साहब आपने ले लिया यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, विच इज़ बेसिकली वॉट, अ बेस, तो आपके सेवन के उधर वाला ही कोई कलर पकड़ेगा ये, ठीक है। आपने वही यूनिवर्सल इंडिकेटर को इसमें डिप किया, इफ यू हैपन टू डिप दिस इन यूनिवर्सल इंडिकेटर, व्हाट विल द कलर इट विल एक्वायर, लेट्स से इट इज एक्वायरिंग ब्लू, ठीक है, सो इट इज एक्वायरिंग ब्लू, सो आपका भाई साहब यहाँ पे कलर क्या हो गया, दिस इज बेसिकली ब्लू। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 10, ठीक है। आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के पेपर को अगर हम, सॉरी, अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर को पेपर को अब हम डिप करते हैं, तो व्हाट कलर आर वी गेटिंग, दिस इज द कलर वी आर गेटिंग, विच इज बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपका पीएच क्या हो गया भाई साहब, 14। तो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर विथ डिफरेंट पीएच वैल्यूज, तो ये सारे पेपर्स आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं, जैसे ही आप इनको एसिड या बेसिस के सॉल्यूशन में डालते हैं, ये अलग अलग कलर पकड़ रहे हैं, और ये अलग अलग कलर अपने हिसाब से पकड़ रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है या दे आर न्यूट्रल, ठीक है, और दे आर न्यूट्रल। सो लेट्स से आपका यहाँ पे आपने क्या देखा, सलाइवा बिफोर मील, सलाइवा आप जब खाना खाने के पहले आपके सलाइवा की टेस्टिंग अगर की जाए, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ रही है, 7.4। तो आपका सलाइवा क्या है, बेसिक है, 7 मतलब आपका न्यूट्रल से ज़्यादा हुआ, इस तरफ हुआ, 7 से 14 के बीच में जो रहेगा वो क्या होगा, बेसिक, मतलब ये वीक बेस है आपका माउथ का, ठीक है, और यही होना चाहिए। एसिडिक अगर हुआ तो आपके दांत खराब होंगे, एसिडिक अगर आपके माउथ का एनवायरनमेंट एसिडिक हुआ तो दांत खराब होंगे, इसीलिए बोला जाता है ना कि भाई साहब जब आप खाना खाते हैं रात को और सो जाते हैं, क्योंकि दिन में तो आप खाना खाते हैं तो खाते रहते हैं, फिर पानी भी पीते रहते हैं, फिर आपका मुँह चलता रहता है, लेकिन अगर आप रात में खाना खा के सो रहे हैं तो आप ब्रश करके सोइए, क्यों, क्योंकि आप जो खाना खाते हैं उसमें एसिड होता है, और ये एसिड आपके माउथ के कंटेंट को क्या बनाता है, एसिडिक, और एसिड जो है आपके टूथ को करोड करेगा, एसिड एज अ करोजिव नेचर। जैसे ही आप टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, टूथपेस्ट में होता है आपका साबुन जैसा इफेक्ट आता है उसमें, तो उसमें बेस होता है, तो आपके माउथ के एनवायरमेंट को न्यूट्रल या स्लाइटली बेसिक होना चाहिए ताकि वो करोड ना हो, ठीक है। सो आपका सलाइवा आफ्टर मील, देखो आपका क्या हो गया, येल्लो, एंड कलर ऑफ द पीएच पेपर आपको क्या मिल रहा है, येल्लो, कलर ऑफ द पीएच पेपर यहाँ पे क्या मिल रहा था, ग्रीन, तो आपकी पीएच वैल्यू क्या हो गई, 5.8। जैसे ही आपने खाना खाया तो आपकी पीएच वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, एसिडिक हो गई, आपका माउथ का एनवायरनमेंट क्या हो गया, एसिडिक हो गया, एंड दिस विल बेसिकली करोड द टूथ, ठीक है, इसीलिए ब्रश करके सोना जरूरी है, ओके। लेमन जूस भाई साहब, इसका कलर क्या मिल रहा है आपको पीएच इंडिकेटर में, ऑरेंज, तो लेमन जूस क्या हो गया भाई साहब, 2.5, मतलब ये एसिडिक हो गया, 0 से 7 के बीच में जो भी होगा वो बाय डिफॉल्ट एसिडिक होगा, ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं भाई साहब कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, ग्रीन मिल रहा है आपको, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है, इसका कितना मिल रहा है आपको, अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू 6, तो ये आपका स्लाइटली एसिडिक मतलब वीक एसिडिक, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक मतलब क्या होगा भाई साहब, एरेटेड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मतलब कार्बोनिक एसिड होगी, और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होती है, तो यहाँ पे एसिडिक हो गया ये, ठीक है। देन वी हैव व्हाट, कैरेट जूस, कैरेट जूस को देखो कलर क्या है, येल्लो, 5.6 है, ये क्या हो जाएगा, एसिडिक,
ठीक है, कैरेट जूस भाई साहब आपका येलो कलर दे रहा है और येलो कलर का अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू कितना हो गया 5.6, सो दिस विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, नाउ वी कम टू कॉफी। कॉफी बेसिकली क्या है भाई साहब, येलो और ये देखो एसिडिक। ज़्यादा कॉफी पियेंगे तो आपको एसिडिटी होती है। ठीक है, ये सारे आपके कलर्स हैं और इन कलर्स का अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू। टमाटो जूस, टोमेटो जूस बेसिकली किस एसिड से होगा, ऑक्सैलिक एसिड से होगा और इसका स्ट्रेंथ कितना अप्रोक्सीमेटली 4.1, ये ऑरेंज कलर दिखा रहा है, सो दिस इज एसिडिक। कॉफी सार टेस्ट नहीं करती है, खट्टा टेस्ट नहीं कर रही है, येस इट इज नॉट टेस्टिंग सार क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ्लेवर्स है, अदरवाइज इट विल टेस्ट सार, वो खट्टा ही टेस्ट करेगा। ठीक है, उसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा ही होगा। आप जो कॉफी है वो पी रहे हो वो रिफाइंड कॉफी है। ठीक है, कॉफी बीन से पियोगे तो भाई साहब आपको सार टेस्ट आएगा थोड़ा सा। ठीक है, टोमेटो जूस आपका किससे बन रहा है, ऑक्सैलिक एसिड से बन रहा है। ठीक है, तो इसका भी देखिए 4.1 स्लाइटली एसिडिक। और देखो कि भी अगर कॉफी मतलब उतना भी एसिड नहीं है, मतलब एक वीक एसिड है, 7 के बहुत आसपास है, 7 के जितने भी आसपास होगा रीडिंग आपका, ठीक है, चाहे वो बेस के लिए हो चाहे आपके एसिड के लिए हो, उतना ही वीक एसिड या बेस होगा। आर बी क्लियर टू दीज थिंग्स पीपल? ठीक है, ओके, अब बात करते हैं भाई साहब टैप वाटर, इसका क्या मिल रहा है आपको, ग्रीन। सो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, एसिडिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई साहब, ये आपको नहीं समझ में आएगा, 1 मोलर सॉल्यूशन होता है ये, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपको ब्लू मिल रहा है, सो दिस इज बेसिक। पीएच वैल्यू इसकी क्या हो गई, 13 एंड इज हाईली बेसिक। ओके, लेट्स से यू टेक एन एसिड, 1 मोलर HCl है, डिसरिगार्ड दिस पार्ट, ये आप 11th में पढ़ेंगे। HCl का क्या हो जाएगा भाई साहब, रेड, और ये हो जाएगा स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, स्ट्रांगली एसिडिक। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, एसिड रेन, तो पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 7 से लेकर 7.8 तक है। पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन बॉडी स्लाइटली बेसिक होना चाहिए। ठीक है, आपके बॉडी में बेसिक नेचर होना चाहिए, न्यूट्रल तो ठीक है लेकिन बेसिक थोड़ा सा होना चाहिए, एसिडिक होगा तो प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का नेचर है, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 द रेन वाटर इज एसिडिक। भाई साहब रेन गिर रहा है, अभी रेन जब गिर रहा है तो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है, तो आपका इससे एसिड बन जाएगा। ठीक है, जिसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, तो अगर आपका रेन वाटर का वैल्यू 5.6 से लेस होता है देन रेन वाटर इज एसिडिक। व्हेन इट फ्लोज इन अ रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर, तो रिवर वाटर का पीएच ऑटोमेटिकली लो हो जाएगा। इसीलिए नई नई बरसात के बाद आप देखोगे बहुत मछलियां मरती हैं क्योंकि एनवायरनमेंट आपका एसिडिक हो जाता है नए नए बरसात के बाद। अगर बहुत देर से बरसात हो रहा होगा तब वो एसिड नहीं रहेगा। ठीक है, देन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट विल डाई आउट, बट इफ इट इज फ्रेश रेन्स देन यू विल सी अ लॉट ऑफ फिशेस और एक्वाटिक प्लांट्स एक्चुअली डाई बिकॉज द रेन दैट इज फॉलिंग इज एसिडिक रेन एंड दिस एसिडिक रेन हैपेंस टू किल दिस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, विच आर देयर इन रिवर्स पॉन्ड्स, सो एक्वाटिक लाइफ इज ड्रास्टिकली अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिक नेचर। ये जो हम पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई साहब जो लोग वाटर के नीचे हैं उनको तो कोई असर होने वाला नहीं है, हाँ जो लोग वाटर के ऊपर है उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन नहीं, आपके क्लाउड्स तो होंगे और रेन तो गिरेगा, तब ये जो आपने पॉइजन छोड़ा हुआ है ये उसके साथ एसिड रेन बन के गिरेगा और यही एसिड रेन जाएगा आपके पॉन्ड्स रिवर्स लेक्स सीज एंड ओशंस में, और वहाँ पे जो एसिड रेन जाएगा वहाँ के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाएगा एंड द फिशेज और द एक्वाटिक लाइफ विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, एक्वाटिक लाइफ इज ड्रास्टिकली अफेक्टेड ड्यू टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की वजह से एक्वाटिक लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। नॉट ओनली दैट, व्हेन दिस टाइप ऑफ रेन वाटर इज अब्सॉर्ब बाई प्लांट्स इट अफेक्ट्स देयर ग्रोथ द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स दे बेयर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती हैं, ऑल दीज थिंग्स बेसिकली गेट इम्पैक्टेड। ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन टूथ डीके। अभी टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। ठीक है, देखिए अगर आप जब खाना खाते हैं तो आपका माउथ का कंटेंट थोड़ा एसिडिक हो ही जाएगा। अगर भाई साहब आपके माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से लोअर हो रही है, सो योर माउथ बिकम्स एसिडिक, एंड इफ योर माउथ बिकम्स एसिडिक देन व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट टू डीके द टूथ, आपके दांत खराब होना चालू हो जाएंगे। ये किसी कीड़े के लिए नहीं होंगे, ये आपका जो एसिडिक नेचर है वो आपके दांतों को करोड करेगा। ठीक है, करोड करेगा। टूथ एनामिल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइएपेटाइट, ठीक है, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो एनामिल है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट
पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, ये बोन से भी भाई साहब स्ट्रांग होता है ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, स्ट्रांगेस्ट पोर्शन, एनामल इज द स्ट्रांगेस्ट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, एक्चुअली में टूथ होता है और टूथ के ऊपर आपका भाई साहब एनामल होता है, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया एंड दिस इज बेसिकली द स्ट्रांगेस्ट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी, ये आपका भाई साहब स्ट्रांगेस्ट पोर्शन ऑफ आवर बॉडी विच गेट्स इंपैक्टेड, ठीक है, ओके, तो आपका जो टूथ एनामल है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, ठीक है, तो ये सारी तमाम चीज़ें हो जाती हैं भाई साहब बैक्टीरिया, तो आपका देखो यहाँ पे टूथ डीके हो गया है, दिस इज हाउ द टूथ डीके हैज हैपेंड, ठीक है, अगर आप भाई साहब तो बैक्टीरिया तो प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर, जब भी आप क्या करते हैं कोई खाना खाते हैं स्पेशली शुगरी फूड जब आप खाते हैं जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है तो आपके माउथ में बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा भाई साहब, इट विल प्रोड्यूस एसिड्स, आपके शुगर को वो डिकम्पोज करेगा, खाना बनाएगा और एसिड प्रोड्यूस करेगा, और ये एसिड क्या करेगा आपके माउथ में जो एनामल है या टूथ है उसको डिकम्पोज करेगा, ठीक है, बोलते हैं ना भाई ज्यादा मीठा मत खाया करो, बच्चों को बोला जाता है, तो यही होता है, दैट इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके, ठीक है, तो अगर आप ब्रश कर रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, तो आपका टूथ डीके अवॉइड किया जा सकता है, स्टमक में एसिडिटी होती है, स्टमक में एसिडिटी किसके वजह से होती है, देखो ह्यूमन बॉडी इसका भाई साहब पीएच कहां से कहां तक 7.35 से 7.45 तक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड ड्यू टू मच प्रोडक्शन ऑफ एसिड कॉजेस पेन एंड इरिटेशन, तो इसमें आपका पेन और इरिटेशन हो जाएगा, द एसिडिटी इंडेशन प्रॉब्लम्स कैन बी कंट्रोल बाई एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटी एसिड्स, और ये एंटी एसिड्स क्या हो गया, जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस दैट न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक, तो आपने बेकिंग सोडा प्लस लेमन लिया तो आपके न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, ठीक है, ओके, आज यहीं तक, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।